हेलो एंड वेलकम टू निगो लाइफलाइन होम्योपैथी। मैं हूं डॉक्टर गौरव राठौर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है पेरिएनल एब्सेस। पेरिएनल एब्सेस को लेकर मैं पहले भी 2 से 4 वीडियो बना चुका हूं, जो कि आप देख चुके होंगे, और अगर नहीं देखा है तो आई बटन दिया है, पेरिएनल एब्सेस के लिए वीडियो जरूर देखें। मैंने पहले वीडियो में बात करी है कि पेरिएनल एब्सेस का विदाउट सर्जरी ट्रीटमेंट है या नहीं है, और अगर है तो वो किस कंडीशन में पॉसिबल है, किस कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। आज हम इसी टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं इस चीज को लेकर, साथ ही साथ फिस्चुला की कंडीशन को भी लेकर कंफ्यूज रहते हैं। तो आज ये सारा कंफ्यूजन आपका दूर होने वाला है। इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। पेरिएनल एब्सेस, सबसे पहले बात करते हैं पेरिएनल एब्सेस क्या होता है। जब मल द्वार के आसपास कोई फोड़ा, फुंसी, मवाद, पस या फिर सूजन आपको दिखाई देती है, जहां पर फुंसी जैसा आपको लगता है, वहां से पस निकलने लगता है, तो ये पस निकलने की जो प्रोसेस होती है, इसको हम बोलते हैं पेरिएनल एब्सेस। पेरिएनल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये पेरिएनल, एनल यानी कि एनल रीजन, मल द्वार आपका, और पेरी यानी कि उसके आसपास के एरिया में ये कंडीशन होती है, इसीलिए इसको पेरिएनल एब्सेस कहते हैं। ठीक है, अब फिस्टुला की कंडीशन किसे कहेंगे? जब ये पेरिएनल एब्सेस का आप सही से ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, या ट्रीटमेंट में देरी करते हैं, या फिर आप इसको बार बार ड्रेन कर रहे हैं, और बार बार क्या हो रहा है कि पस बनने की कंडीशन हो रही है, और पस बनते बनते ये सीधा आपके मल द्वार का जो एरिया होता है वहां से कनेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पर हम इसे फिस्टुला की कंडीशन कहते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ पर सेकेंड ओपनिंग भी बन गई। तो पहले एक ही ओपनिंग थी, लेकिन फिस्टुला में क्या हो रहा है कि दो ओपनिंग हो रही है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इसको फिस्टुला की कंडीशन बोल रहे हैं, और एक बोल रहे हैं पेरिएनल एब्सेस की कंडीशन। दोनों ही कंडीशन में एब्सेस बनते हैं, दोनों ही कंडीशन में पस बनता है, एक में पस कम बनता है और एक धीरे धीरे, जब कंडीशन, जब आप सप्रेस करते रहते हैं अपनी कंडीशन पर, ध्यान नहीं देते हैं, सही ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो क्या होता है कि ये एब्सेस का खतरा धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और ये फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों, ये कंडीशन क्यों होती है, क्या क्या कॉजेज होते हैं, क्या कारण होते हैं, इस बात पर भी जोर देना या ध्यान देना या समझना बहुत जरूरी है। क्या होता है, सबसे पहला और मुख्य कारण होता है कब्ज का होना। जब कब्ज आपके शरीर में रहती है, आपका डाइजेशन प्रॉपर सही से नहीं रहता है, तो धीरे 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 क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन जो है ये आपकी पाइल्स में कन्वर्ट हो जाती है, और पाइल्स जब सप्रेस होता है तो ये एब्सेस में कन्वर्ट हो जाता है, और कई बार पाइल्स हमें देखने को नहीं मिलता, कई बार सीधा हमें एब्सेस देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है कि जब कब्ज शरीर में बन रही है, आपका पेट सही से साफ नहीं हो रहा है, तो क्या होता है कि इंफेक्शन बनने के ज्यादा चांसेस होने लगते हैं। अब कब्ज क्यों हो रही है? कब्ज होने के बहुत सारे कंडीशन होती है। कब्ज कई बार, सबसे ज्यादा कब्ज जो है वो मेंटल कंडीशन की वजह से होती है, मानसिक तनाव की वजह से होती है। मानसिक चीजें जब परेशान करती है तो कहीं ना कहीं डाइजेशन इश्यू होता है, या फिर आप अनहेल्दी खाना खाते हैं, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, आप प्रॉपर सोते नहीं है, जागने और सोने का समय जो है आपका प्रॉपर सही से नहीं है, तो इस कंडीशन में भी डाइजेशन के खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और फिर ये कंडीशन आपकी पेरिएनल एब्सेस में कन्वर्ट हो जाती है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि पाइल्स के ऑपरेशन करवाते हैं बहुत सारे लोग, और बहुत सारी हैवी एंटीबायोटिक्स दवाइयां किसी और बीमारी के लिए भी खाते हैं, तो शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, या शरीर में फिर क्या होता है कि डाइजेशन संबंधित समस्याएं क्रिएट हो जाती है, और उस वजह से भी यहाँ पर हमें पेरिएनल एब्सेस देखने को मिलता है। तो पेरिएनल एब्सेस होने के क्या क्या मुख्य कारण हो गए? एक तो हो गया आपका डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन है ना, आपका पाइल्स या हिमोरॉइड की कोई हिस्ट्री आपको आपके उसमें देखने को मिलेगी। अब इसमें किस कंडीशन में ऑपरेशन होता है, किस कंडीशन में आपको सर्जरी करवाना चाहिए, देखिए, सबसे पहले तो आप डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर आपको सही एडवाइस करेगा, जो आपकी कंडीशन रहेगी उस हिसाब से आपको सही सही चीजें बताएगा। लेकिन समस्या क्या होती है कि आप सही डॉक्टर तक पहुंच नहीं पाते हो, आप कोई ऐसे डॉक्टर को दिखाते हो जो उसके प्रति जानकारी सही से नहीं रखता है, तो क्या होता है कि वहां पर कई सारी रिस्क पेशेंट के साथ पैदा हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या है कि आपको सही डॉक्टर को दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी। दूसरा ये कि देखो, मैं बात करता हूँ इनिशियल स्टेज की, जब पेरिएनल एब्सेस अपने इनिशियल स्टेज में होता है, जब वहां पर ज्यादा पस नहीं बना है, तो होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है, बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो पेरिएनल एब्सेस
को ठीक करती है, पेरिएनल एब्सेस का इलाज करती है, उसको परमानेंटली क्योर करती है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो वो होम्योपैथिक डॉक्टर रजिस्टर्ड डॉक्टर है या नहीं है। बहुत सारे लोग पेरिएनल एब्सेस के लिए मुझसे कंसल्ट करते हैं, जहां पर कुछ लोगों का कहना होता है कि हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पहले ले चुके हैं। जब मैं उनका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देखता हूँ या कोई डॉक्टर के बारे में सुनता हूँ तो उन डॉक्टर की हिस्ट्री क्या मिलती है कि उन्होंने कोई डिग्री नहीं ली, कोई स्पेशलाइजेशन उनका होम्योपैथी में नहीं हुआ है, लेकिन वो ऐसे ही होम्योपैथी की दवाई देते हैं। कुछ लोगों में वहां देखने को मिलता है, तो वहां डॉक्टर्स में देखने को मिलता है कि वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, और वो जनरली लोग क्या समझते हैं कि होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी अलग है और होम्योपैथी अलग है, तो इन दोनों में बहुत अंतर है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा कि आप जो डॉक्टर को दिखा रहे हैं वो डॉक्टर किस चीज का है, किस पद्धति का है, क्योंकि किसी और चिकित्सा पद्धति में डिग्री ले रखी है लेकिन प्रैक्टिस किसी और में करता है। तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी यहाँ पर पेशेंट जो है परेशान हो जाता है और वो समझता है कि होम्योपैथी या आयुर्वेद में इस चीज का इलाज नहीं है। दूसरा क्या होता है कि कहीं एक जगह ट्रीटमेंट ले लिया और ये डिसाइड कर लिया कि इस पूरी चिकित्सा पद्धति में इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन हम बात करें अगर मॉडर्न चिकित्सा की, एलोपैथी की बात करें, तो वहां पर व्यक्ति क्या हो रहा है कि एक डॉक्टर के बाद दूसरे डॉक्टर किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाता है। लेकिन होम्योपैथी की बात करें तो वो एक अच्छे डॉक्टर के पास पहुंच ही नहीं पाता है, वो झोला छाप या ऐसे वैसे डॉक्टर को दिखाता है और फिर वहां पर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, प्रॉपर अच्छी दवाई नहीं मिल पाती। कई बार क्या होता है कि मेडिसिन जो डॉक्टर यूज कर रहे होते हैं वो अच्छी क्वालिटी की दवा यूज नहीं कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में भी बेहतर रिजल्ट नहीं आ पाते। क्योंकि देखिए, जाहिर सी बात है, औषधियां हैं और औषधियों का शुद्ध होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी आप तैयार कर रहे हो उस चीज के लिए, तो किसी तरह की कीटनाशक दवाइयां, किसी तरह की यूरिया वगैरह ये सब जड़ी बूटियों में नहीं डाली गई हो। इस तरह की जड़ी बूटियां यहाँ पर उस और उससे जो दवाई बनी गई हो, उससे जो प्रिपरेशन हुई हो होम्योपैथी या आयुर्वेद में, वो दवाइयां ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो इस तरह की दवाओं की थोड़ी सी कॉस्टिंग भी थोड़ी सी ज्यादा होती है लेकिन काफी इफेक्टिव होती है। तो हमें जो हर्ब्स चूज करना होती है वो भी अच्छी क्वालिटी की चूज करना होती है। तो ये भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप किस तरह के हर्ब्स वहां पर यूज कर रहे हो। अब पेरिएनल एब्सेस की कंडीशन सर्जरी में कब होती है? जब बहुत ज्यादा पस बन गया हो, बहुत ज्यादा पस बन गया हो और कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई हो, तो वहां पर पस को रिमूव किया जाता है, सर्जरी में ड्रेनेज किया जाता है, उसको क्लीन किया जाता है और हैवी एंटीबायोटिक वगैरह और ये सारी चीजें देकर, पेन किलर्स देकर पेशेंट को वहां की जो कंडीशन को उसको हील किया जाता है। लेकिन फिर भी कई बार मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में देखा है जो दो दो बार सर्जरी करवा चुके हैं। आप कमेंट में भी देख सकते हो, मेरे जो पहले के वीडियो डले हुए हैं वहां पर कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने ये बोला है, दो बार सर्जरी, तीन बार सर्जरी। और मेरे को जब कंसल्टेशन आती है, जब लोग मुझसे कंसल्ट करते हैं, तो वहां पर भी मुझे ये चीज सुनने को मिलती है कि मैं तीन बार ऑपरेशन करवा चुका हूँ, दो बार ऑपरेशन करवा चुका हूँ, अब मैं ऑपरेशन करवाने की या सर्जरी करवाने की कंडीशन में नहीं हूं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उस कंडीशन में जब मेरे पास पेशेंट आते हैं तो मैं उनसे यही कहता हूं कि आप सर्जरी की कंडीशन में कब गए थे? तो वो मुझे बताते हैं कि सर्जरी की कंडीशन में हम इस स्थिति में गए थे जहां पर पस भी नहीं बना था। तो जहां पस बना ही नहीं है उस कंडीशन में डॉक्टर सर्जरी कर देते हैं, तो ये चीज थोड़ी सी गलत दिखाई देती है। तो वहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पस को रिमूव किया है, लेकिन आप ये भी कंडीशन देखिए कि पस को रिमूव करना, सिर्फ पस को वहां से हटाना और उसको ड्रेन करना और वहां पर उसको पेन किलर या एंटीबायोटिक देकर छोड़ देना इलाज नहीं होता है। इलाज करने के लिए उसको प्रॉपर एडवाइस भी करना होता है कि उसको किस तरह का खान पान नहीं खाना है, किस तरह की चीजों से दूर रहना है, क्योंकि जब कब्जे होगी शरीर में तो वो कंडीशन वापस से बनेगी। तो इस चीज का प्रॉपर ध्यान रखना है। तो प्रॉपर जो है पेशेंट को ये चीजें भी एडवाइस करना है कि खाने पीने में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। इधर पेशेंट ने सर्जरी करवाई है और इधर पेशेंट क्या खा रहा है, दूध पी रहा है और अनहेल्दी चीजें खा रहा है, तो क्या होगा, चीजें कंडीशन खराब हो जाएगी। तो इसलिए एक अच्छे डॉक्टर का होना आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपको प्रॉपर एडवाइस करे कि आपने अगर सर्जरी भी करवाई है तो आपको उस कंडीशन में किन किन चीजों का खाने पीने का ध्यान रखना है या नहीं रखना है, किस तरह से आपको वहां पर अपनी हाइजीन का भी ध्यान रखना है। तो कई बार पेशेंट क्या होता है, सर्जरी करवाई है लेकिन हाइजीन का ध्यान नहीं रखता है, तो उस कंडीशन में भी पेरिएनल एब्सेस बार बार होने के चांसेस होते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं पेरिएनल एब्सेस का होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट है, कौन कौन सी मेडिसिन है जो पेरिएनल एब्सेस के लिए होम्योपैथी में दी जाती है। होम्योपैथी की जो चिकित्सा पद्धति होती है उसमें प्रॉपर पेशेंट की काउंसलिंग की जाती है, पेशेंट को प्यास कैसी लगती है, पेशेंट का मानसिक चीजें किस तरह की है, पेशेंट का डाइजेशन किस तरह का है, पेशेंट की कोई हिस्ट्री तो नहीं है, कोई पाइल्स हिस्ट्री तो नहीं है,
पेशेंट के मेंटल सिम्टम, गाइडिंग सिम्टम, उसकी थर्मल, क्योंकि यहाँ पर जब अपन जड़ी बूटियां डिसाइड करते हैं तो उनकी भी अपनी एक तासीर होती है, कोई ठंडी तासीर की होती है, कोई गर्म तासीर की होती है, और पेशेंट की भी अपनी तासीर होती है। आप जानते हो कि गर्म, किसी किसी पेशेंट को गर्मी ज्यादा लगती है, किसी किसी पेशेंट को ठंडी ज्यादा लगती है, तो शरीर की तासीर को भी जानना जरूरी होता है। अब पेशेंट की सेंसिटिविटी कितनी है, झेलने की क्षमता, या वो कितनी हैवी एंटीबायोटिक्स ले चुका है, अपनी इम्यूनिटी, उसकी उसकी खुद की इम्यूनिटी किस लेवल की है, ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो प्रॉपर पेशेंट से काउंसलिंग करने के बाद ही ये चीजें पॉसिबल हो पाती है कि होम्योपैथी में प्रॉपर डोज तैयार होता है। कभी भी आप ऐसा नहीं होता है कि आप कोई मेडिसिन, अगर आपको किसी डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया कि भैया इस कंडीशन के लिए आर्सेनिक एल्बम ले लीजिए, दो दो बूंद ले लीजिए, लेकिन कब तक लीजिएगा, कितनी मात्रा में लीजिएगा, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको ये समझना कि आपकी बॉडी के हिसाब से क्या आर्सेनिक एल्बम का मेंटल सिम्टम, उसका फिजिकल सिम्टम, उसकी थर्स थर्मल, और कब आपकी कंडीशन बढ़ती है, कब आपको रिलीफ मिलता है, ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है। और होम्योपैथी की मेडिकल की जो बुक्स होती है उसमें प्रॉपर पेशेंट की सारी चीजें दी हुई होती है, उसकी मेंटल कंडीशन तक लिखी हुई होती है। तो पेरिनल एब्सेस की बात करें तो यहाँ पर हमें 300, 400, 500 दवाइयां मिल जाती है एब्सेस के लिए, जो होम्योपैथी में दी जाती है। लेकिन अब क्या है ना कि हर कंडीशन के लिए अलग अलग हो जाती है। मेंटल सिम्टम देखा, वहां पर थर्स थर्मल देखा, वहां पर एंगर देखा, वहां पर थर्स, वहां पर डिजायर देखी पेशेंट की, मेडिसिन चेंज हो गई, मेडिसिन की पोटेंसी चेंज हो जाती है, 30 पोटेंसी, 3x पोटेंसी, या 200 पोटेंसी, या 1 m या 10 m में देना है, या स्केल चेंज करना है, 50 मिलीसीमल में देना है, ये भी पेशेंट की सेंसिटिविटी ससेप्टिबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो काफी कुछ पेशेंट की चीजें देखना होती है, उसके बाद ही पेशेंट के लिए परफेक्ट डोज तैयार होता है। तो कभी भी कोई भी ऑनलाइन आपको ये बता रहा है, कोई डॉक्टर आपको ये बता रहा है कि ऐसे ही वीडियो बना के कि पेरिनल एब्सेस की ये 10 दवाइयां, या किडनी स्टोन की ये 10 दवाइयां होम्योपैथी में जाके खा लीजिए, दो दो बूंद ले लीजिए, पांच पांच बूंद ले लीजिए, 5 गोली खा लीजिए, इस तरीके से दवाइयां मत लीजिए, क्योंकि हर पेशेंट की मेंटल कंडीशन, हर पेशेंट की थर्स थर्मल, हर पेशेंट की तासीर और जड़ी बूटियों की तासीर अलग अलग होती है। इसलिए हमेशा औषधियां, जब आप औषधियों की बात आती है तो सोच समझ कर और शरीर के लिए वो कितना सुटेबल है, कितनी मात्रा में सुटेबल है, कितनी क्वांटिटी में सुटेबल है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। इसलिए हमेशा डॉक्टर से बात करिए, चाहे अगर आप डॉक्टर के क्लिनिक पर विजिट नहीं कर पा रहे तो ऑनलाइन कंसल्ट कर रहे हैं तो डॉक्टर से बात करिए, उनसे कंसल्ट करिए, डॉक्टर आपकी पूरी केस हिस्ट्री नोट डाउन करेगा और फिर आपका केस को रिपर्टराइज करेगा। रिपर्टराइज करने के बाद परफेक्ट आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग डोजेस बनाएगा कि आपको उस दवा की कितनी मात्रा, एक 15 दिन में या 20 दिन में या महीने में उसकी कितनी मात्रा की जरूरत है, उस मात्रा के हिसाब से वो डोजेस बनाएगा और आपको देगा। तो ये परफेक्टली डोज जब आप कंज्यूम करेंगे, जब आप लेंगे, तो आपकी जो कंडीशन है वो हील होगी। और होम्योपैथी में होलिस्टिक ट्रीटमेंट होता है, यानी कि जब आप मेडिसिन लेते हैं तो वो होल बॉडी पर वर्क करती है, तो आपकी इम्यूनिटी पर वो वर्क करेगी और आपकी अनहेल्दी जो चीजें हैं उन पर वर्क करेगी। अगर आपका डाइजेशन खराब हो रहा है या उसका रूट कॉज जो है वो डाइजेशन बना हुआ है तो डाइजेशन पर वर्क करेगी और आपकी चीजों को रूट लेवल से ठीक करेगी। सिर्फ पस को निकाल देने से उसका ट्रीटमेंट नहीं होने वाला, वो सिर्फ पस निकलेगा, वो ड्रेन होगा, उसके अलावा उसके लिए जो प्रॉपर ट्रीटमेंट देने की जरूरत है, आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी होने की जरूरत है, आपका डाइजेशन अच्छा होने की जरूरत है, आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी होने की जरूरत है, आपकी प्रॉपर स्लीपिंग टाइम, खाने पीने का सही तरीका होना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर बॉडी आपकी अनहेल्दी है तो वो कंडीशन वापस से आएगी। अगर आप चाहे उसमें सर्जरी करवा लो, चाहे आप कितनी मेडिसिन खा लो, आपका हेल्दी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, संतुलित आहार लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, मानसिक चीजें भी सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन सारी चीजों को सोच समझने के बाद ही अपने लिए डिसाइड करिए कि आपके लिए बेटर ऑप्शन क्या है, सर्जरी बेटर ऑप्शन है या मेडिसिन लेना बेटर ऑप्शन है। आपका हेल्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका डाइजेशन, आपकी मेंटल कंडीशन, अगर कोई अदर कॉज बना हुआ है तो उसका सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने हैवी एंटीबायोटिक्स खा ली तो वो आपके शरीर में साइड इफेक्ट करेगी, तो वो साइड इफेक्ट से भी आपको बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए प्रॉपर आपको हेल्दी ट्रीटमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। डाइट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिर्फ गोलियां ठूसना या सर्जरी करवाना से आपकी ये कंडीशन ठीक नहीं होने वाली, वो कंडीशन बार बार आएगी, जब तक कि आप अपने आप को, अपनी लाइफ स्टाइल को, अपने अपनी चीजों को लेकर थोड़ा सा अवेयर नहीं होंगे। इसलिए प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं तो हर एक व्यक्ति उठाना चाहता है ना, बड़े
बड़े इंश्योरेंस करवा लेंगे लेकिन हेल्थ के प्रति अवेयर नहीं रहेंगे, नॉलेज नहीं लेंगे, नॉलेज से डर लगता है। आप तो हमें गोलियां ठूसने के लिए बोल दो, हमको एडमिट होने के लिए बोल दो, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करना आपको बॉडी के साथ। लाइफ है यार, लाइफ को अच्छे से जियो, हैप्पीली जियो, उसको समझो और खुश रहो। खुश होने के लिए तो आप कमा रहे हो, जब स्वास्थ्य ही आपका अच्छा नहीं रहेगा तो आप कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाएंगे या जी पाएंगे। तो जीना जरूरी है, दिन निकालना जरूरी नहीं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, पहला सुख निरोगी काया, उसके बाद ही जो है जीवन में आप संसार का मजा ले पाते हो, सुख सुविधाओं का मजा ले पाते हो। तो आशा करता हूँ आपको दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। इससे संबंधित अगर आपको मुझसे कंसल्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया है मेरे क्लिनिक का, आप कॉल करिए, आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसे डॉक्टर है जो अच्छी होम्योपैथिक दवाएं देते हैं, क्लासिकल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं, क्लासिकल में क्या होता है, प्रॉपर केस हिस्ट्री, केस टेकिंग होती है और एक अच्छी क्वालिटी की दवा आपको दी जाती है। ऐसे नहीं कि कोई भी दवाइयां आपको प्लास्टिक के डब्बे में भर के और बस केवल कि आपको एब्सेस हुआ है तो एब्सेस के नाम पर 2 मिनट में आपको दवा बना के दे दी, ऐसा नहीं होता है होम्योपैथी में, कभी भी नहीं होता है। प्रॉपर अगर कोई होम्योपैथिक डॉक्टर होगा और अच्छा डॉक्टर होगा तो वो आपकी केस हिस्ट्री लेगा। दूसरा ये कि होम्योपैथी का डॉक्टर है तो होम्योपैथी में ही प्रैक्टिस कर रहा होगा, ऐसा नहीं वो एलोपैथी दवाइयां भी दे रहा है, होम्योपैथी भी दवाइयां दे रहा है और सब मिक्स पैथी करने लग गया है। तो आशा करता हूँ आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी और बेहतर जानकारी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।